चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की वेबिनार श्रृंखला की 16वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को शक्ति पर्व की मंगल कामनाएं। भारतीय चेतना सदैव से ही स्त्री शक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव दर्शाती रही है। यत्र नारस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति का यह श्लोक नारी के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालता है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, किंतु जहाँ नारी के सम्मान नहीं होता है वहाँ अच्छे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। महिलाओं पर अत्याचार किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर एक चाटे की तरह है, किसी भी सभ्य समाज में एक कलंक की तरह है। हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, आत्महत्या, कार्यस्थल पर अभद्रता जैसे और कई घिनौने अपराध आधुनिक समाज में महिलाओं पर किए जा रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से चिंता का विषय है। महिलाओं पर अपराध के विषय में कौन से कानून हैं, इस विषय में हमारा संविधान क्या कहता है, इन सारे बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं स्वाति रॉय जी। स्वाति रॉय जी पिछले 15 वर्षों से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट में एज अ गेस्ट फैकल्टी भी लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाती रही हैं। आपने कई वरिष्ठ वकीलों के साथ कार्य किया है। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, महिला कमीशन के में आपने एज अ लीगल कंसल्टेंट भी काम किया है। वर्तमान में आप CWC वेस्ट दिल्ली में एज अ सदस्य, एज अ मेंबर काम कर रही हैं। आज का विषय जो है महिलाओं के अविरुद्ध होने वाले अपराधों में महिला आयोग की भूमिका पर आप अपनी चर्चा करने वाली हैं। स्वाति जी आपसे निवेदन है कि आप अपना माइक म्यूट करके अपनी बात रखें। ओवर टू यू स्वाति जी। अनम्यूट करके ओके। नमस्कार। जैसा संक्षिप्त विवरण दिया है कृपा शंकर जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज चर्चा करने वाली हूँ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर, जिसमें कि दिल्ली या महिला आयोग जिसको कहते हैं आम भाषा में, उसकी क्या क्या भूमिकाएं रही हैं। क्योंकि मैंने महिला आयोग में 3.5-4 साल काम किया है, तो बहुत नजदीक से मैंने महिला आयोग को उभरते हुए देखा है। पहले कोई नाम भी नहीं जानता था महिला आयोग का, लेकिन आज के डेट पे आप किसी से पूछें तो कम से कम दिल्ली महिला आयोग के बारे में लोग जानते होते हैं। तो उसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगी, रोल ऑफ कमीशन इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एक्चुअली इन स्टॉपिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते क्या क्या है। हेलो, महिला बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, महिला अपने जीवन के हर स्टेज पर अलग अलग क्राइम सफर करती है, जैसे अपने जन्म के समय से लेके मृत्यु के समय तक उसके साथ अलग अलग क्राइम होता है। सबसे पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड है, जो कि बहुत व्याप्त है। आपको पता है कि हरियाणा में कैसे सेक्स रेशियो, एक्चुअली हरियाणा पंजाब में सेक्स रेशियो कैसे डिफरेंट है। पूरे हिंदुस्तान में ही एक्चुअली 900 महिलाएं ही हैं सिर्फ 1000 मेल के ऊपर। सबसे पहला आता है फीटल इन्फेंटिसाइड, जब वो गर्भ में ही रहती है, गर्भस्थ शिशु जब रहती है उसी वक्त उसका सेक्स एंड करके उसको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद स्कूल गोइंग एज आता है, स्कूल गोइंग एज में भी उसे तरह तरह की यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। कंपटीशन होता है कि सरकारी स्कूल में लड़कियां पढ़ेंगी, लड़का पढ़ेगा वो तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। बहुत बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये व्याप्त है हमारे सोसाइटी में, स्पेशली जो हमारा मैसिव मिडिल क्लास सोसाइटी है उसमें बहुत ज्यादा है। उसके बाद जब वो एडोलेसेंस में दहलीज रखती है तो ईव टीजिंग हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, एसिड अटैक हो गया, अर्ली मैरिज हो गया, इन सब चीजों की शिकार होती है। शादी होती है उसके बाद शिकार होती है डोमेस्टिक वायलेंस की, या फिर कह लीजिए दहेज प्रताड़ना की। फिर ड्यूरिंग द बर्थ, प्रेगनेंसी के समय मैल न्यूट्रिशन की, प्रॉपर डिलीवरी फैसिलिटीज नहीं होने की। ठीक है, जो शहर में महिलाएं हैं या जो पढ़ी लिखी हैं वो बहुत कम परसेंटेज फॉर्म करती हैं सशक्त महिलाओं की, लेकिन आज भी हमारा जो समाज है 60% इंडिया जो है आज भी गाँव में रहता है, जहाँ सारी सुविधाएं नहीं प्राप्त है। उसके बाद आज ये जो वर्किंग वुमेन है जो शहरों में रहती है या गाँव में रहती है, फॉर दैट मैटर वर्क प्लेस हैरेसमेंट होता है। आप लोगों ने विशाखा देवी के बारे में तो सुना ही होगा, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में, जो कि एक भवी देवी केस था उसके ऊपर एस्टेब्लिश था। तो ये विशाखा गाइडलाइन किसी
ऐसी काम है जो कि खेतों में काम करती थी, किसी ऑफिस में काम करने वाली महिला के वजह से ये एक्ट नहीं बना, खेतों में काम करने वाली महिला के वजह से ये एक्ट बना। उसके बाद हम आते हैं संक्षिप्त में, अभी बताऊंगी टाइप्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सबसे पहला तो डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है, कि डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व्स फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज एंड थ्रेट एट टाइम्स। इट मे बी मोर सबटल सच मेकिंग समवन फील वर्थलेस, नॉट लेटिंग देम हैव एनी मनी और अलाउिंग देम टू लीव द होम एंड एप्लीकेशन। इस जब ऐसे चीजों का शिकार होती है कोई महिला अपने मैट्रिमोनियल होम में, उस समय वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकती है मैजिस्ट्रेट के पास में अंडर सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और उस समय वो ऑर्डर प्राप्त कर सकती है मैजिस्ट्रेट के कोर्ट से उसी घर में रह, जिस घर में उसको ब्याह करके लाया गया है उसी घर में रहने का, वहां पर प्रोटेक्शन का, उसको कुछ पैसे दिए जाए, मानदंड दिया जाए, कुछ भत्ता दिया जाए उसके लिए, कोई कॉम्पनसेशन मिले उसके लिए, और ये सारी तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो एक मैजिस्ट्रेट का कोर्ट पास करता है। उसके बाद आता है रेप, जो कि आज के डेट में तो बहुत ज्यादा ही डिस्कस किया जा रहा है कि रेप बहुत क्रुएलिटी को डिफाइन करके, अगर शादीशुदा लड़की के ऊपर डाउरी के वजह से क्रुएलिटी होता है तो वो 498A इन्वोक करके उसमें रिलीफ पा सकती है। उसके अलावा सेक्शन 198A CRPC में भी अमेंडमेंट किया गया था, जो शॉर्टकमिंग्स रह गई थी IPC के और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस को, उसको कवर करने के लिए। उसके अलावा 304 IPC में भी कवर किया गया था, जहां मौत डाउरी से रिलेटेड हो, यानी 7 साल के अंदर में अगर कोई नई ब्याहता मर जाती है सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस से, तो उसको 304 में कवर किया जाएगा IPC। तो ये मोटा मोटा जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स होते हैं वो सारा मैंने कवर किया। इसके बाद हम आते हैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन पे, कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन क्या है और कैसे काम करती है। तो मैं आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन बता देती हूँ। दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इज नेशनल कमीशन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पूरा NCT ऑफ दिल्ली इसमें कवर होता है। जो मोटे मोटे प्रोग्राम हैं हमारे दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में, उसमें सबसे पहले आता है 181, उसके बाद आता है हेल्प टैक्स, उसके बाद आता है रेप क्राइसिस सेल, उसके बाद आता है क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर, उसके बाद आता है मोबाइल हेल्पलाइन, उसके बाद आता है महिला पंचायत, उसके बाद आता है सहयोग। तो थोड़ा मोनोटोनस तो नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है ठीक है, चलिए ऐसे चलता है, अच्छा चल रहा ऐसे चलता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे संगीत की तरह मैं गा जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मोनोटोनस नहीं है, बिल्कुल बढ़िया जा रहा है, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, कंटिन्यू कीजिए जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी 181 हेल्पलाइन जो वुमेन का है, जो दिल्ली में एस्टैब्लिश्ड है, उसके बारे में। निर्भया रेप कांड जब हुआ था 2012 में, उसके बाद से ये मोबाइल हेल्पलाइन 181 के एस्टैब्लिश होने का निर्देश हुआ कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल हेल्पलाइन एस्टैब्लिश होगा, यूनिफाइड होगा और IVRS सिस्टम से ये चलेगा। दिल्ली में भी उसी के तहत 181 हेल्पलाइन शुरू किया गया। ठीक है, 181 हेल्पलाइन वो हेल्पलाइन है जो कोई भी महिला दिल्ली के टेरिटरी के अंदर
अभी तो बाहर से भी करती हैं, 181 पे सीधा डायरेक्टली कॉल कर सकती हैं। 181 पे काउंसलर्स डेप्यूटेड होते हैं और वो लोग 24 घंटे अवेलेबल होती हैं, और जैसे ही कोई कॉल आता है 181 पे तो वो उसको अटेंड करती हैं, उस महिला से पूछती हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या डिफिकल्टी वो अभी फेस कर रही हैं और क्या हेल्प उनको चाहिए, ठीक है। और जैसा हेल्प उस महिला को चाहिए होता है उसको तुरंत काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं और वो एप्रोप्रिएट हेल्प प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो कोई महिला है जिसको उसके घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो जो दुखी महिला होंगी, विक्टिम होंगी, वो फोन करके बोलूंगी कि मेरे साथ मेरे घर वालों ने मारपीट की या पड़ोसियों से ये झगड़ा हो गया है, तो उस वक्त सीधा ये जो काउंसलर है पहले तो उनको काउंसलिंग करेंगी, उनका नंबर एड्रेस लेंगी और उसके बाद महिला आयोग को खबर करेंगी, और महिला आयोग की जो गाड़ी है मोबाइल हेल्पलाइन प्रोग्राम की वो उस घटना स्थल पे तुरंत पहुंच जाती है, जैसे पीसीआर वैन्स पहुंचते हैं। उसमें अगर रात का वक्त है तो एक काउंसलर होती है, एक ड्राइवर होती है, या कभी मेल कभी फीमेल ड्राइवर जैसा अवेलेबल हो, और अगर रात का वक्त है तो एक होमगार्ड भी साथ में होता है, तो वो घटना स्थल पर पहुंच के तुरंत काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और इमीडिएट रिलीफ देते हैं। अगर जरूरत होता है पुलिस और या फिर मेडिकल जो भी स्टेक होल्डर्स चाहिए होता है उस पर्टिकुलर केस के लिए, तो वो चीज तुरंत प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से पुलिस वाले कॉल करते हैं जब उनको काउंसलर की जरूरत होती है, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस आ गया और उनको काउंसलर चाहिए तो वो 181 पे कॉल करते हैं। 181 वाली जो है वो कॉल तुरंत डाइवर्ट करती हैं उस काउंसलर की ओर जो उस डिस्ट्रिक्ट को देखती है। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 रेप क्राइसिस सेल की काउंसलर है, तो उन काउंसलर को ये कॉल फॉरवर्ड होती है जिसकी ड्यूटी लगी होती है, और वो थाने में जाके उस विक्टिम को तुरंत काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह से अनेक जिस तरह का कॉल होता है उस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है 181 के द्वारा। 181 की हर एक कॉल रिकॉर्डेड भी होती है। रिकॉर्डेड होने का ये फायदा है कि मान लीजिए कि आज के दिन में ओवरलोडिंग हो गया कॉल्स का, मान लीजिए आज के दिन में 1000 कॉल्स आ गए, उतना नहीं कर सके, तो नेक्स्ट डे सबसे पहले जो बैकलॉग्स हैं उनको क्लियर किया जाता है, फिर आगे के कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 181। उसके बाद हेल्प डेस्क पे आते हैं। हेल्प डेस्क हो गया जैसे एंट्री पे, जैसे ही एंट्री पे द्वार पे ही काउंसलर्स और सुपरवाइजर्स का एक कमरा है। जैसे ही कोई विक्टिम महिला आयोग में आती है तो उनको एक नंबर दे दिया जाता है, और एक एक करके उनको जो हमारे 5-10 काउंसलर बैठते हैं उनके पास में भेजा जाता है अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उनकी बातें सुनी जाती हैं सारी, और फिर उनको बताया जाता है कि किस तरह से उनको हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा, और जिस भी प्रोग्राम से रेफर करता है वो प्रॉब्लम, उस प्रोग्राम में उस पर्टिकुलर केस को या उस पर्टिकुलर विक्टिम को आगे रेफर कर दिया जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज ऑफ काउंसलिंग तो हेल्प डेस्क पे ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है, या फिर रेप का मैटर है, या फिर हैरेसमेंट का मैटर है, तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसको आगे केस को बढ़ा दिया जाता है फॉर प्रॉपर रिलीफ। उसके बाद हम आते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर एंड रेप क्राइसिस सेल। अब इन दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मैं लीगल काउंसलर जब DCW में थी तो अधिकतर समय मेरा बीता था रेप क्राइसिस सेल की लीगल काउंसलर के रूप में। तो रेप क्राइसिस सेल और क्राइसिस इंटरवेंशन मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, इस तरह से इमेजिन कीजिए कि कोई पीड़िता है जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और वो थाने में पहुंची, ठीक है। जैसे ही वो थाने में पहुंचती हैं, उसी क्षण पुलिस का ये कर्तव्य है कि वो क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर की काउंसलर को अप्रोच करे। पहले डायरेक्टली करते थे, अब 181 के थ्रू करते हैं। तो वो अप्रोच करते हैं डायरेक्टली क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि जो बच्ची आई होती है या जो महिला आई होती है
वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशन में होती हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है, जिसके साथ सेक्सुअल, जिसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होता है वो नॉर्मल कंडीशन में हो नहीं सकती है, तो वो एक ट्रॉमेटिक कंडीशन में होती है। तो उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए एक सपोर्ट पर्सन चाहिए, एक ऐसा क्वालिफाइड पर्सन चाहिए जो उनसे बातें कर सके और उनका जो उस समय का स्ट्रेस है, पीड़ा है, ट्रॉमा है, उसको रिड्यूस कर सके, ताकि जो वो महिला है उसे लगे कि हाँ कोई है जो मेरे सपोर्ट में है और जो सही और सच्ची बातें लिखवाने में मेरी मदद करे। ठीक है, तो उसी वक्त में उस काउंसलर को बुलाया जाता है, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर की काउंसलर होती हैं, वो उसी वक्त थाने पहुंचती हैं और जो पीड़िता है उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं और अपना काउंसलिंग रिपोर्ट, संक्षिप्त काउंसलिंग रिपोर्ट बनाती हैं। 19 पॉइंट का काउंसलिंग रिपोर्ट होता है जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर डेवलप किया गया था, उस काउंसलिंग रिपोर्ट को सबमिट करती है। उसके बाद वो जो काउंसलर होती हैं उस पीड़िता के साथ अस्पताल भी जाती है, अस्पताल में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में सपोर्ट पर्सन का साथ रहना जरूरी होता है, क्योंकि जो पीड़िता है उसे तो पता ही नहीं ना है कि अब इसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद क्या होगा, तो एक तरह से सपोर्ट पर्सन रहता है बताने को कि अभी मैडम या जो भी बच्ची हुई तो आपका अभी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कुछ ज्यादा डरने की बात नहीं है, डॉक्टर चेक करके बताएंगे आपका सब कुछ सही है, आप उसमें घबराइए नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जो पीड़िता रहती है वो डर जाती है जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, तो डर जाती हैं, तो प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण कोरोबोरेटिव एविडेंस जो अच्छा बन सकता है उसके केस को मजबूत करने के लिए वो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर की जो काउंसलर होती हैं वो अकंपनी करती हैं फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम। देयर आफ्टर द एफआईआर इज रजिस्टर्ड। उसके अगले दिन 164 का बयान होता है। 164 का जो बयान होता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपके एफआईआर को सत्यापित करेगा। तो 164 का जब बयान होता है तो काउंसलर भी मौजूद रहती है और उनको बताती हैं कि आज जब चार्जशीट फाइल की जाएगी तो उसके बाद फला वकील होंगी रेप क्राइसिस सेल की, जो आपको मदद करेंगी लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो एक हो गया सोशल रिप्रेजेंटेशन, तो सोशल सपोर्ट, और एक हो गया लीगल सपोर्ट। तो सोशल सपोर्ट के लिए हो गई क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर की काउंसलर और लीगल सपोर्ट के लिए हो गई आरसीसी की लॉयर, रेप क्राइसिस सेल की लॉयर। 2005 में रेप क्राइसिस सेल शुरू हुआ जब ये जरूरत महसूस हुई कि हम जिसको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आगे हम लीगल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसको एनहांस करने के लिए 2005 में आरसीसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, रेप क्राइसिस सेल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ दिल्ली महिला आयोग के द्वारा, जो कि लीगल सपोर्ट देंगी उन विक्टिम्स को जो कि रेप की पीड़िता है। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेशन में रहेंगी हमेशा क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर के, इसलिए दोनों अभिन्न अंग है एक दूसरे का। ठीक है, अभी प्रेजेंटली 32 कोर्ट है दिल्ली में जो कि सेक्शुअल असॉल्ट डील करते हैं, उन सारे 32 कोर्ट्स में 32 वकील हैं जो कि इन विक्टिम्स की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, वो विक्टिम कॉम्पनसेशन का एप्लीकेशन मूव करती हैं, यही नहीं विक्टिम को बताती हैं कि अगली तारीख तुम्हारी इस चीज की लगी है, उस चीज की लगी है, विक्टिम को तैयार करती हैं कि उनका केस है, डिपोजिशन है, क्या करना है, कैसे करना है, आयु से स्टेटस रिपोर्ट नहीं आता है तो उसको मंगवाती हैं, ताकि बेस्ट पॉसिबल हेल्प जो है सो विक्टिम को, पीड़िता को दिया जा सके। इसके संदर्भ में एक हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी है, 696/2008 दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन वर्सेस दिल्ली पुलिस, ये 23/4/2009 का है और ये यही बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें सारा आउटलाइन किया गया है कि क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर और रेप क्राइसिस सेल कैसे काम करेगा और कैसे विक्टिम को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मैं आती हूँ 303 के ऊपर में, एक पुलिस की गाइडलाइंस है 303 जो कि 2012 में 2010 में पुलिस ने उसी कोर्ट ऑर्डर के ऊपर ही निर्धारित किया था। ठीक है, आईओ एसएचओ जो है वो अभी मैं आपको समझा रही थी उसका सारा ताना बाना कि कैसे काम करते हैं, कि कैसे केस आएगा तो तुरंत आईओ जो है
वो बताएगा क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर की वकील को, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर के काउंसलर को, काउंसलर जाएगी उसकी काउंसलिंग करेगी, काउंसलिंग रिपोर्ट देगी, मेडिकल में साथ जाएगी, एफआईआर करवाएगी और उसके बाद अगले दिन 164 के समय रेप क्राइसिस सेल की लॉयर से उसको मिलवाएगी, रेप क्राइसिस सेल की लॉयर उसको लीगल काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी 164 बयान के बाद, और उसके बाद जब उसका एक जब उसका केस लगेगा यानी चार्जशीट पे फाइल लगेगी तो उस वक्त से उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन देगी। उसका जो भी एप्लीकेशन मूव करना होगा, चाहे वो कॉम्पनसेशन का हो, विक्टिम प्रोटेक्शन का हो, मेडिकल ट्रीटमेंट का हो, तो वो सारे एप्लीकेशन वो मूव करेगी और बेसिकली रेप क्राइसिस सेल की जो लॉयर होती है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर काम करती है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास आपको पता है कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन रहते हैं, तो उस ओवरबर्डन को कम करने के लिए रेप क्राइसिस सेल की लॉयर हमेशा तत्पर रहती है, ठीक है। इसमें कुछ जजमेंट्स भी कोट किए गए हैं, ये एसओपी से उद्धृत हैं, जो उसका एसओपी, जब मैं महिला आयोग में काम करती थी तो रेप क्राइसिस सेल का एसओपी ड्राफ्ट करवाया था, तो ये उसमें कवर्ड। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट आता है मोबाइल हेल्पलाइन। मोबाइल हेल्पलाइन है, दिल्ली महिला आयोग के पास में गाड़ियां हैं, अभी 66 गाड़ियां थी जो 11 दिल्ली के 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्लेस थी। हर गाड़ी में एक काउंसलर होती है और एक ड्राइवर होता है, रात के वक्त में अगर वो कहीं पर जाते हैं तो साथ में एक नाइट गार्ड भी होता है। ये बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है क्योंकि कुछ इंसिडेंसेस हो गए थे रात में, जब लड़की काउंसलर और ड्राइवर जा रहे थे तो कुछ ऐसा माहौल हो गया था कि हमें लगा कि बच्ची के लिए, मतलब विक्टिम के लिए, काउंसलर के सेफ्टी के लिए, वो भी देखना हमारा काम है कि काउंसलर भी एक बच्ची है, लड़की है, तो इसीलिए फिर एक होमगार्ड का गार्ड रहता है उसमें व्हीकल में, तो वो होमगार्ड का गार्ड लड़की और काउंसलर हर गाड़ी पे तीन तीन सेट में 8-8 घंटे की ड्यूटी पे ये लोग रहते हैं। ये लोग पीसीआर वैन की तरह काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि 181 नंबर पे जब भी कॉल आया तो ये लोग तुरंत उस जगह पे पहुंचते हैं जहां से कॉल आया। अगर किसी डिस्ट्रेस में महिला है तो उनके पास तुरंत सहायता पहुंच जाती है और ये काउंसलर जाके इमीडिएट काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं और जैसा जरूरत होता है वैसा एक्शन लेती हैं। अगर पुलिस के इंटरफेरेंस की जरूरत है तो तुरंत पुलिस में 100 नंबर पे कॉल होता है, पुलिस आती है, और अगर मान लीजिए मारपीट हो गया है या मेडिकल हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो इनको हॉस्पिटल लेके जाती हैं, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो ये हो गया मोबाइल हेल्पलाइन, जो एक बहुत सशक्त कार्यक्रम है दिल्ली महिला आयोग का। उसके बाद आता है महिला पंचायत। महिला पंचायत वो नहीं है कि महिलाएं बैठ के पंचायत करती रहती है, कोई काम धंधा नहीं है तो चलो बैठ जाओ सब मिलके पंचायत लगाते हैं, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो दिल्ली महिला आयोग रन करती हैं। इसका बेसिक मोटिव ये है कि उनको ग्रास रूट लेवल पे ही महिलाओं को उनकी अधिकारों के बारे में एक सामाजिक ज्ञान दिया जाए, ठीक है, और आपसी कोशिश से ही एक दूसरे की सहायता हो जाए। जैसे कि महिला सुरक्षा एक अत्यधिक प्रचारित विषय हो गया है, इन परिस्थितियों में दिल्ली महिला आयोग की यह कोशिश है कि महिलाओं को कानूनी एवं सामाजिक ज्ञान और सहायता दी जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली महिला आयोग ने महिला पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत की। यह इसी व्यवस्था है, यह ऐसी व्यवस्था है जो महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए महिलाओं के माध्यम से चलाई जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर महिला को कानूनी सहायता व मदद पहुंचाई जाए। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं का कानूनी सशक्तिकरण और उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं को निपटारा कर सामुदायिक स्तर पर महिलाओं द्वारा ही किया जाने का प्रयत्न है। यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर काम करने वाली गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ के साथ मिलकर चलाया जाता है, जिससे उनका सहयोग भी मिलता है, ठीक है। इसके तहत ये भी उद्देश्य होता है कि महिलाओं को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए जिससे वो लाभान्वित हो सकती हैं। महिलाओं को कानूनी कार्यशालों व ट्रेनिंग के जरिए उन तक सभी
सरकारी और महिला केंद्रित आयोजनों की जानकारी पहुंचाई जाए। तो ये हो गया, ये ग्रास रूट लेवल का प्रोग्राम है, अलग अलग ब्लॉक्स में इसको होता है और एनजीओस के माध्यम, महिला एनजीओस जो है उनके माध्यम से इसको चलाया जाता है ताकि ग्रास रूट लेवल पे ही जो प्रॉब्लम अराइज करे वो वहीं पर उसका समाधान भी मिल जाए। उसके बाद आता है सहयोगिनी प्रोग्राम, जो महिला आयोग की मेंबर्स होती हैं वो ये प्रोग्राम, उनके अंतर्गत ये प्रोग्राम चलता है, यानी कि उनका, उनके पास हियरिंग लगते हैं मैटर्स की। जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स मैंने बताया, अगर मान लीजिए वहां पर निदान नहीं हो पाता है या फिर निदान हो भी जाता है तो एक बार मेंबर्स के पास फाइल लगती है ताकि वो उस बात को समझ सके और अपने क्षमता के अनुसार उसमें रिलीफ प्रोवाइड कर सके, या अगर रिलीफ मिल गया है तो उस चीज का संज्ञान ले सके। तो वो है सहयोगिनी प्रोग्राम। बहुत सारी ऐसी मिसलिनियस चीजें होती हैं जिनको कि हम ऊपर जो मैंने अभी बताया आप सबको उसमें कवर्ड नहीं होती, तो उस केस में उन केसेस को सहयोगिनी में रेफर कर दिया जाता है और मेंबर्स उसको डिपेंडिंग अपॉन द केस उसमें प्रॉपर हियरिंग्स लेती हैं और उस चीज को ठीक करती हैं और जो भी हेल्प उनसे प्रोवाइड होता है वो करती है, जो उनकी योग्यता के अनुसार हेल्प है वो प्रोवाइड करवाती है। तो ये हो गया आपको सहयोगिनी। सहयोगिनी का सिस्टम ये है कि हर महिला आयोग की हर मेंबर के पास में एक सेट ऑफ स्टाफ होता है, उस सेट ऑफ स्टाफ में एक लीगल काउंसलर होता है, लीगल बंदा होता है जिसको कम से कम 2 साल से 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसके अलावा एक काउंसलर होता है, एक टाइपिस्ट या स्टेनो कहिए या एक रिकॉर्ड कीपर होते हैं और ये फाइल्स उनको मार्क होती है मेंबर्स को, मेंबर्स के लीगल काउंसलर्स उसमें अपना लीगल ओपिनियन देते हैं और जहां काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है फिर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गया सहयोगिनी प्रोग्राम का सिस्टम, जो कि अदर देन जो रेप क्राइसिस सेल के हो गए या फिर अदर स्पेसिफिक को छोड़ के बाकी जो होते हैं उन सबको ये सहयोगिनी प्रोग्राम कवर करता है। कभी कभी स्पेसिफिक भी, जबकि मान लीजिए कोई रिलीफ नहीं प्रोवाइड हो रहा है, कॉम्पनसेशन अलॉट हो गया लेकिन विक्टिम के अकाउंट में नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया, सहयोगिनी में रेफर कर देते हैं, डायरेक्ट मेंबर सेक्रेटरी से वो लोग बात करते हैं या रेप क्राइसिस के इंचार्ज डायरेक्ट में रेप क्राइसिस मेंबर सेक्रेटरी से बात करते हैं और फिर देर आफ्टर कॉम्पनसेशन रिलीज हो जाता है। तो ये हो गए सारे महिला आयोग के सारे आयाम जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए और इसके साथ आपको थैंक यू कवर करने के लिए। जी धन्यवाद स्वाति जी, निश्चित रूप से प्रेजेंटिंग का बटन बंद कर दीजिए। हाँ अभी बंद कर दिया। हाँ बंद हो गया प्रेजेंटेशन। जी जी धन्यवाद जी। कुछ पंक्तियां हैं जो आपके वक्त, आपका वक्तव्य सुनने के बाद ध्यान आती हैं, कुछ आंकड़े हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। याद रहे जब नारी का अपमान चरम हो जाता है, लौकुश का भी धनुष राम के सम्मुख भी तन जाता है, इतिहासों के पृष्ठ देख लो, नारी का अपमान हुआ सारी धरती डोल गई तब भीषण संग्राम हुआ। जब भी नारी का अपमान हुआ है कोई ना कोई ऐसा भीषण संग्राम इस देश के अंदर हुआ है जिसने सभ्यता को उलट पुलट के रख दिया है। 2015-16 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य मिशन ने एक 15 से 49 वर्ष की महिलाओं का सर्वे किया था जिसके कुछ आंकड़े हैं। लगभग 30% महिलाओं को 15 वर्ष की आयु में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। लगभग 6% महिलाएं जीवन में कम एक बार यौन हिंसा का सामना करती हैं। लगभग 31% मामले जो बलात्कार के मामले हैं उनमें अपना कोई ना कोई नजदीकी व्यक्ति ही शामिल होता है। एनसीआरबी के डेटा है, 2018 के जो टोटल मामले महिला अपराधों के रिपोर्ट हुए हैं 378,236 मामले हुए हैं, जो बढ़कर 2019 में 405,861 हो गए हैं। लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई है एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक और लगभग 7% की बलात्कार के मामले भी 2018 से 2019 में बढ़े हैं, जो 32,033 मामले जो 2019 में रिपोर्ट किए गए हैं। ये ऐसे आंकड़े हैं जो किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय है। जल्द से जल्द अगर ये आंकड़े कम हो जाएं, जितनी जल्दी ये आंकड़े कम हो जाएं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस विषय को रखा।
आपसे प्रश्न उत्तर हम आखिरी में लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वक्ता की तरफ, जहां एक तरफ ये समाज के लिए चिंता का विषय है, वहीं पे कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो समाज में निश्चित रूप से समाज को दिशा और दशा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ज्योति बैंदा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप वर्तमान में SCPCR हरियाणा की चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं। साइकोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन है, चाइल्ड लेबर, पॉक्सो और चिल्ड्रेन ऑफ फीमेल प्रिजनर पे आपने काफी काम किया है। आज जो आप जिस विषय पे आप अपना बात रखने जा रही हैं, चैलेंजेस एंड गुड प्रैक्टिसेस इन स्टेट ऑफ हरियाणा। ज्योति जी स्वागत है, आप अपने आप को म्यूट करके अपनी बात रखें। ओवर टू यू ज्योति जी। ज्योति जी आवाज नहीं आ रही है जी। नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते स्वामी मैडम ने बहुत ही मैडम आपको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत ही आपने सटीक तरीके से आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा रखा आवाज नहीं आ रही है अभी। जी जी अभी ठीक है, अभी आप आ रही है। ज्योति जी को सुझाव दे सकते हैं कि जहाँ सिग्नल ठीक होगा अगर थोड़ी देर के रुक जाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। आप शायद रास्ते में हैं, सिग्नल अप डाउन होते होंगे, अगर जहाँ सिग्नल ठीक मिल जाए वहीं रुक करके करेंगे तो मुझे लगता है एक बार। मुझे सुन पा रहे हैं जी? आ रही है पर ब्रेक हो करके आ रही है आपकी आवाज, बीच में कट रही है। जी मैंने गाड़ी को रोक दिया है, अब ठीक है? अभी ठीक है, आ रही आवाज। जी जी हम रुक कर ही बात कर लेते हैं। शायद CWC के मेंबर्स जुड़े हुए हैं? जी जुड़े हुए हैं, सब CWC के मेंबर्स ही हैं मैक्सिमम। जी तो बाल अधिकार में जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ महिला आयोग का अपना दायित्व है, लेकिन जहां तक बाल अधिकारों की बात है वहां सबसे मुख्य भूमिका जो है वो CWC की रहती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, है ना। दे प्ले वाइटल रोल, उनके बिना कमीशन भी कुछ भी नहीं कर पाने में नहीं कर पाता है। तो मेरा आपसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मेंबर से एक अनुरोध जरूर है कि आप मुझे बीच में भी रोक सकते हैं, क्योंकि मैं आयोग की उपलब्धियों पर चर्चा करूंगी और आयोग के इनिशिएटिव्स पर चर्चा करूंगी। जहां भी आपका सवाल आए आप मुझे जरूर सवाल करिएगा कि आपको कार्य करने में किस प्रकार के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो, चाहे वो एक्ट से संबंधित हो, आपको जैसी भी समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं एक बार हम तक जरूर रखें। मैं बताना चाहूंगी कि कोरोना के COVID-19 के इस क्राइसिस में शायद हमारे लिए चुनौतियां भी बढ़ गई हैं, चाहे वो चुनौती हमारी चाइल्ड लेबर को लेकर के है, बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट है, इवन बहुत अच्छे फैमिलीज के बच्चे क्योंकि स्कूल्स का नहीं जा पा रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स ने अपना रोजगार खोया है, तो फीस के इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इसके कारण बच्चे स्कूल से बाहर हो रहे हैं, स्कूल्स की अपनी मनमानी है, फीस को लिया जा रहा है, वही बढ़ी हुई फीस मांगी जा रही है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना इनरोल होते हुए भी। हरियाणा में जब हमने शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक रखी तो ड्रॉप आउट बच्चों का लगभग आंकड़ा 2.5 लाख निकल करके आया है। जो माइग्रेंट बच्चे हैं, माइग्रेंट लेबर के जो बच्चे थे वो अपना हरियाणा से चले गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है। लेकिन आयोग ने ये इंश्योर किया है कि बच्चों को SRN नंबर के माध्यम से कहीं भी किसी भी प्रदेश में बच्चा है तो उस बच्चे को उसी प्रदेश में लिंक किया जाए, ऐसी एक व्यवस्था, ऐसा एक प्रक्रिया जो है आयोग की तरफ से चल रही है। और जहां तक RTE का संबंध है वहां एक और इनिशिएटिव लिया गया, हमारे यहाँ हरियाणा में एक 134A का प्रावधान है कानून में, जिसमें मेरिटोरियस बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में दी जाती है। बाकी प्रदेश में ये कानून किस नाम से है मुझे ध्यान नहीं, सब जगह अलग अलग है, यहाँ 134A में है। और अनफॉर्चुनेटली
हमारी जो सीसीआई के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के जो बच्चे थे वो इस दायरे में नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, चाहे वो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको डोमिसाइल चाहिए हरियाणा का होना, आपके पास एज प्रूफ चाहिए, आपको पेपर में बैठने के लिए बहुत सारे कागजात चाहिए। तो इस पर हरियाणा बाल अधिकार आयोग ने इनिशिएट लेते हुए हमने शिक्षा विभाग के साथ कि हमारे जो सीएनसीपी बच्चे हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर प्रोटेक्शन के जो हमारे स्पेशली सीसीआई में रहने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों को सभी डॉक्यूमेंट में एग्जेम्पशन देते हुए और इवन टेस्ट की एग्जेम्पशन भी हमने इस साल रखी है, और बच्चा जिस स्कूल में चाहेगा उसी स्कूल में बच्चा दाखिला लेगा, ऐसा नौवीं से बारहवीं तक का प्रावधान हो गया है। बाकी क्योंकि कोरोना के कारण बंद है तो बाकी स्कूल्स बच्चे अभी जहां थे वही हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को इंश्योर किया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन डीसीपीओस के माध्यम से और शिक्षा विभाग के टेलीविजन दीक्षा के माध्यम से, एजुसेट के माध्यम से हमने ये इंश्योर किया है कि हमारे सीसीआई का कोई भी बच्चा स्कूली शिक्षा से वंचित ना रह पाए। उसके पास बुक्स पहुंच रही हैं, ये भी 100% इंश्योरेंस है कि हमारे हर बच्चों के पास किताबें और स्कूल में एडमिशन। इस विषय पर आयोग काम कर रहा है, चाहे वो बच्चों की डिजिटल लर्निंग और डिजिटल टीचिंग, सभी बच्चों के पास डिजिटल का बहुत इशू था, चाहे वो मोबाइल की एक्सेस नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर के भी डिजिटल लर्निंग को लेकर के भी गाइडलाइन इश्यू की है, मिनिमम है, और मैक्सिमम फोकस किया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन का ना दे करके स्क्रीन टाइम तो लिमिटेड किया ही गया है कि आप एक घंटा है पहली से लेकर के तीसरी कक्षा तक, उसके बाद डेढ़ घंटे का समय रखा है, मैक्सिमम तीन घंटे का समय नौवीं से बारहवीं तक का स्क्रीन टाइम रखा गया है, और इसके अलावा बच्चों को फोन से दूर रखा जाए और बच्चों को दूसरे माध्यम, चाहे वो वर्कशीट है चाहे वो प्रैक्टिस पेपर है, इस तरह की प्रैक्टिसेस पर हमने ज्यादा प्रेशर किया है और जिसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। यहाँ तक कि आयोग ने एक अभ्यास पुस्तिका आंगनबाड़ी वाले बच्चों के लिए भी लॉन्च की है, जो बच्चे अभी नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए अभ्यास पुस्तिका और मोहल्ला पाठशाला, 12-12 बच्चों की एक मोहल्ला पाठशाला से वॉलंटरी सर्विस से के माध्यम से इस प्रकार की मोहल्ला पाठशालाएं हम लोग चला रहे हैं। ये तो शिक्षा को लेकर के है। दूसरा, मुझे लगता है कि सभी सीडब्ल्यूपी मेंबर्स को भी पॉक्स में बहुत अच्छे पास जितनी पॉसिबल हो पाता, इसलिए पॉक्स हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स बहुत ये आ रही है थोड़ा रुक रुक के आ रही है, प्लेंटी होती रहेगी। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। तो पॉक्सो को लेकर फिर से भी सीडब्ल्यूसी मेंबर से कि आप मुझे पिछले हफ्ते में के 22 हफ्ते के बाद जो बच्ची की अनवांटेड प्रेगनेंसी है रेप सर्वाइवल की, उसके दर्शन के लिए इस एमटीपी का एक्ट का जो प्रोविजन है, लेकिन हमें इसका बहुत अभी सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता है। यूजुअली इस तरह के जो बच्चे जो विक्टिम बनते हैं वो विक्टिम बहुत वल्नरेबल ग्रुप से होते हैं, जिनके माता पिता ना आर्थिक रूप से समर्थ हैं ना सामाजिक रूप से समर्थ हैं, वो स्लम्स में रहने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस पिछले दौरान आए हैं। मुझे लगता है कि लगभग पिछले एक महीने में 12 से 13 हमारी माइनर बच्चियां हैं जिनके पॉक्सो के कारण जो प्रेग्नेंट हुई और उनकी डिलीवरी हुई है, और टाइम पर उन वर्गों को मेडिकल सर्विसेज ना मिल पाना, मेडिकल टर्मिनेशन ना हो पाना या ठीक काउंसलिंग ना हो पाना, ये एक बहुत ही बड़ा विषय रहा। और उसके बाद क्योंकि 20 हफ्ते के बाद आप सिर्फ हाई कोर्ट जाएंगे, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होगा, तो हमने एक एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी जारी की है कि अगर
हेल्थ डिपार्टमेंट को इंश्योर, ये सबसे पहले केस रिपोर्ट होता है, तो वो बच्चे का इमीडिएट विद इन 48 आवर्स 48 घंटे अंदर अंदर एक बोर्ड बनाए जो ये डिसाइड करेगा कि क्या बच्चे की फिजिकल हेल्थ उसका टर्मिनेशन अलाउ करती है। यूजुअली हेल्थ डिपार्टमेंट हायर स्टेशन पर रेफर कर रहे थे और जिसके कारण बच्चा वो सफर कर रहा था और हायर स्टेशन पर चीजें नहीं पहुंच पा रही थी, बच्चा नहीं जाने में समर्थ नहीं था। तो इस पॉइंट पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, प्लीज एमटीपी का जो इशू है ये हम भी बहुत फेस कर रहे थे, तो हमने उसका एक निदान लगाया निकाला कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटी भी एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी है एंड इट हैज द पावर ऑफ अ कोर्ट। तो हमने एक केस में इस चीज को रेफर करते हुए ऑर्डर पास किया मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए एम्स हॉस्पिटल में, ताकि बच्ची का एमटीपी हो सके, 22 वीक की प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर्स ने उसका कॉग्निजेंस लिया, एक मेडिकल बोर्ड बनी और बच्ची का एमटीपी हुआ। तो ये बहुत ज्यादा टाइम सेविंग हो गया उस बच्ची के लिए, क्योंकि पहले मैं दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में काम करती थी, रेप क्राइसिस सेल ही हैंडल करती थी और उस टाइम में भी मैंने एमएलसीज बहुत सारे करवाए हुए हैं, लेकिन ये एक बॉटल नेक आ जाता था हमारे सामने जहां हाईकोर्ट में टाइम लग जाता था। तो इस बार जब मैं यहां बैठी हुई थी सीडब्ल्यूसी में, तो एक केस हमारे पास ऐसे आया और वो 20 वीक्स उस समय नहीं हुई थी जब पहली बार हमारे सामने प्रोड्यूस हुई, लेकिन दूसरी बार जब वो प्रोड्यूस हुई होते होते उसका 22 वीक्स हो गया था। हमने उसका 22nd ऑर्डर पास किया और डॉक्टर्स ने उसका कॉग्निजेंस लिया, एमएस ने ऑफकोर्स जो हमारे चेयरपर्सन थे उनसे टेलीफोनिकली बात करी और फिर कॉग्निजेंस लिया और उसके एक बोर्ड बनी और बच्ची का एमटीपी हुआ। तो ये बहुत टाइम, ये जो नया एमटीपी बिल आया है इसमें 24 वीक्स तक का, मुझे लगता है कि जहां तक मुझे ध्यान है 24 वीक्स तक की परमिशन आई है। स्वाति जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्वाति जी मुझे लगता है एक बार ये सेशन पूरा हो जाए फिर हम इस पे डिस्कशन कर लेंगे, वो इंटरप्ट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगा। नहीं, एक बार इस विषय को क्लियर करें क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो स्वाति जी क्या 22 वीक्स के बाद भी सीडब्ल्यूसी अलाउ कर सकती है? अगर ऐसा है तो वो जजमेंट आप हमें शेयर करें। मुझे लगता है आई थिंक नहीं कर सकती है, और अगर होगा तो हम इस पर कोई लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं किसी से। नहीं, मैं मेरा निवेदन ये है, इसको लेकर के हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी और जो नए पॉक्सो के रूल आए हैं रूल 8 में स्पेशल रिलीफ का एक प्रोविजन हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि जब भी पॉक्सो का ₹1000 का पॉक्सो मैक्सिमम 20 रखा है, सेक्शन 6-8 जिस सेक्शन का वायलेशन है और बच्चे की स्पेशल रिलीफ का प्रोविजन बॉक्सर के रूल 8 के अकॉर्डिंग अभी हमने डब्ल्यूसीडी को गाइडलाइन करके और ये 3 बच्चियों को ये स्पेशल जो रिलीफ है ये दिया गया है, क्योंकि केसेस ये आ रहे थे कि इंटरिम कंपनसेशन में काफी डिले हो रहा था। तो मुझे लगता है कि पॉक्सो बहुत ही गंभीर विषय है, होल्डर्स की भूमिका को सुनिश्चित किया है, पुलिस डिपार्टमेंट सबकी भूमिका सुनिश्चित है, एक ऐसा रोल ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स हम लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग की है और वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारी एडवाइजरी नोटिफाइड होकर के और सभी डिपार्टमेंट में जो है प्रॉपरली सर्कुलेट हो गई है। तो इससे संबंधित भी अगर कोई सवाल आएगा तो फिर हम बात करेंगे। उसके बाद इन्हीं दिनों में और एमआर केसेस आ रहे थे, गत 24-23 को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लैंग्वेज मॉड्यूल ऑन पॉक्सो
हमने ऐसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए लॉन्च किया है, जिसके लिंक को हम आप चाहेंगे तो हम उसको भी शेयर करना चाहेंगे कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे। लैंग्वेज इंटरप्रेटर की भी हमने एक प्रावधान रखा है, तो ताकि जो बच्चे अपनी बात नहीं कर पा रहे वो अपनी बात को साइन लैंग्वेज, इंडियन साइन लैंग्वेज से, और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने का प्रावधान है, तो हम उसको भी साइन लैंग्वेज मॉड्यूल को भी हमने लॉन्च किया है। तो इस प्रकार की दूसरा एक और गुड प्रैक्टिस जो चल रही है, हमारे CCI के बच्चों का एक बार SIR सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और बहुत निकल करके आए जिसमें बच्चों का रिहैबिलिटेशन, फैमिली रिस्टोरेशन, ये सब बहुत आसानी से पॉसिबल था, लेकिन हमारी SIR के कारण पेंडिंग था। ऑन वन मोर केस आई वुड लाइक टू शेयर, ड्यूरिंग माई विजिट टू अ CCI, आई फाउंड वन POXO केस दैट वॉज नॉट रिपोर्टेड टू द पुलिस एंड कमीशन गॉट रजिस्टर्ड द, तो इसको लेकर के भी मुझे लगता है कि हमें केस किया, काउंसलिंग में आया लेकिन पुलिस में कहीं भी ये नहीं जा पाया, तो वो एक FIR कमीशन ने करवाई है। और सभी बच्चे जब यहाँ से निकल करके जाए, CCI से जब जाएंगे, हर बच्चे के पास उसकी आइडेंटिटी प्रूफ हो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, और उसको जो हमारी स्टेट्यूड पेंशन की एक स्कीम है, हरियाणा सरकार की जितनी भी लाभान्वित योजनाएं हैं ऐसे बच्चों के लिए, तो वो अब तक इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि बच्चों के पास उनके पास पेपर पूरे नहीं थे, तो और हर किया है करके पर फिलहाल प्रावधान हमारा हर बच्चे के लिए हो गया है, जो बहुत ही अच्छा स्टेप है और बच्चों को बहुत स्वाभिमान, बच्चों का इससे सेल्फ रिस्पेक्ट होगा कि बच्चे के पास उसका अपना पैसा होगा। एक और सर्वे आयोग ने किया जिसमें कि 14,000 हरियाणा के जो सरकारी स्कूल है उनमें हमने पाया कि 4200 स्कूल ऐसे थे जिसमें कहीं कोई महिला अध्यापक नहीं थी, तो और इसमें से भी 3700 स्कूल थे जो कि मिडिल स्कूल है। तो एक ये सर्वे रिपोर्ट हमने सरकार को सौंपी है और इस रिपोर्ट के माध्यम पर ट्रांसफर पॉलिसी में चेंजेस शुरू हो गए हैं और अब हर विद्यालय में एक महिला अध्यापक सुनिश्चित हो, ऐसा हरियाणा सरकार ने कॉग्निजेंस आयोग के रिकमेंडेशन पर ले लिया है और ये बहुत जल्दी ही नई ट्रांसफर पॉलिसी से लागू होने वाला है। मॉडल आंगनवाड़ी पर, प्ले स्कूल पर भी आयोग मिलकर काम कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। और एक विषय जो मुख्य रूप से मैं चाहूंगी ध्यान दिलाना, क्योंकि मैं CWC से का उसमें भूमिका रहेगी कि CWC मेंबर्स भी स्थानीय प्रिजंस को जरूर विजिट करें। हरियाणा आयोग ने महिला कैदियों के बच्चों का सर्वे किया है, 50 से बच्चे हैं, प्लस माइनस होते रहते हैं, जो माताओं के साथ, मदर के साथ प्रिजन रह रहे थे, कि एक RD उपाध्याय जी की जजमेंट के अकॉर्डिंग, एज पर द जजमेंट ऑफ RD उपाध्याय, टिल द एज ऑफ 6 द चाइल्ड कैन स्टे विद हर मदर इन द प्रिजन, वो को प्रावधान नहीं था, स्कूल जाने लगे हैं। पिछले साल 13 बच्चे मेन स्कूल को लिंक हो पाए आउट ऑफ 35, और जो बच्चे विद इन प्रिजन थे उनके लिए अंदर ही क्रच की व्यवस्था की गई है, एडिटर्स की व्यवस्था की गई है, एक्सपेरिमेंट किया है, बच्चों को इसी तरह का साइको इमोशनल ट्रॉमा न आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक एडवाइजरी इशू की है और जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। 268 चिल्ड्रन जिनकी मदर हरियाणा के प्रिजन में है लेकिन बच्चे बाहर कम्युनिटी में, एक्सटेंडेड फैमिली में है, उन एक्सटेंडेड फैमिली वाले बच्चे SIR की, जहाँ बच्चे स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता थी वहाँ स्पॉन्सरशिप से लिंक किया गया, जहाँ CCI
को था वो सीसी गया, तो इस 68 बच्चों का एक सर्वे किया। इसी स्टडी में थर्ड लेवल की स्टडी हमारी पेंडिंग है, जिसमें बच्चे हरियाणा में नहीं है, जिनकी मदर हरियाणा में है लेकिन बच्चे डिफरेंट कॉर्नर, नेपाल भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात है, तो वो थर्ड फेज के लिए हम कंसर्न स्टेट से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको लेकर के भी निसंदेह एक वन साइड कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है कि सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आऊंगी कि आप प्रश्न ऐसा नहीं है। बीच में अगर टू वे कम्युनिकेशन करेंगे तो डिस्टर्बेंसेस बहुत आ जाते हैं, तो आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे, इसलिए आप अपनी बात रख लें फिर हम इसको ओपन करेंगे सत्र को। क्या एक ऑब्जर्वेशन होम का एक शेड्यूल बना करके आयोग भेजा, कुछ हमने पेन ड्राइव्स भी दिए हैं, कुछ स्टोरी टेलिंग के सेशन भी हमने किए, अपने कुछ स्टोरीज को रिकॉर्ड करके और वहाँ बच्चों को टीवी के माध्यम से ऑब्जर्वेशन होने भिजवाया, पेन ड्राइव पे बच्चे देख पाए, तो और उन बच्चों की एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जाए, क्योंकि क्राइसिस के दौरान जो योगा क्लास और सब बंद हो गया है, तो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन भी, ऑनलाइन एक्टिविटीज भी अब उसमें हम लोग कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन के लिए चल रहा है। जहाँ तक चाइल्ड लेबर का है, वहाँ हम लोगों की मीटिंग कंटिन्यू रही है, मार्केट एसोसिएशन के साथ भी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी, गुड़गांव में हम 6 रेजिडेंट एसोसिएशन करके इस तरह का एक्ट के प्रोविजंस को क्लियर कर रहे हैं कि बच्चा, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि 14 साल का तो पढ़ता है, तो वो सब हम उनको क्लियर करने का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हम कंटिन्यू सेशन चल, नियम क्या है, एक्ट के प्रावधान क्या है, बच्चा 7 बजे काम नहीं करेगा, 24 घंटे नहीं काम करेगा, उसको वीकेंड पे छुट्टी मिलेगी, कौन से हजारडियस काम है जिससे बच्चा काम नहीं कर सकता है, तो ये एक प्रकार बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं एसोसिएशन की तरफ से, ऐसे ऐसे रेजुलेशन बहुत अच्छे से आ रहे हैं कि हम अपने लेवल पर इसको करेंगे, और मुझे लगता है कि ये सामाजिक कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना तो ये हम चाइल्ड लेबर को रोक नहीं पाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। मीडिया को लेकर के हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज, रोल मीडिया व्हाइल कवरिंग द चिल्ड्रन इश्यूज, ये बहुत बड़ा आ रहा था कि बच्चे को आपने इंटरव्यू कैसे करना है, उसको पब्लिश कैसे करना है, और ऐसे कुछ आयोग ने बहुत सारी ऐसी न्यूज के ऊपर समनिंग करी, कॉग्निजेंस लिया, और फिर मीडिया को एक वर्कशॉप गई और बकायदा एक बुकलेट रिलीज की गई है, गाइडलाइंस फॉर द मीडिया, तो इस प्रकार का कुछ ये सब आयोग के इनिशिएटिव, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी जैसे सबके सुझाव आएंगे तो फिर बात करेंगे। जी धन्यवाद, आपने निश्चित रूप से, आपके द्वारा 2 प्रयास तो बेहतरीन है जो सराहने योग्य है, एक जो आपने महिला शिक्षा, बाकी आयोगों को भी इससे सीखना चाहिए, और एक निश्चित चिंता का विषय था, अगर किसी विद्यालय में महिला शिक्षक नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ की बालिकाओं को कंफर्टेबल नहीं लगेगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने विषय रखा। जेल विजिट निश्चित रूप से बाकी CWC मेंबर्स करते ही हैं, हम लोग भी करते हैं। अब इस सत्र को ओपन करूंगा, एक प्रश्न लेना है, और उसके पहले जैसा कि अध्यक्षीय उद्बोधन होता है, हमारे अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे वक्ताओं को धन्यवाद दें। अगले सप्ताह हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं उसके बारे में एक छोटी सी मैं पृष्ठभूमि बताऊं। अभी तक लगभग 16 वेबिनार में हमने एक्ट के बारे में बहुत गंभीर चर्चाएं किया है, चाहे बच्चों से संबंधित एक्ट हो या चाहे महिलाओं से संबंधित एक्ट हो। पहली बार हम ऐसे 2 महान योद्धाओं से मिलने वाले हैं जिनके जीवन की संघर्ष की कहानी सुनकर के हम सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत ही इमोशनल विषय रखने वाले हैं हम। 2 ऐसे व्यक्ति इस देश के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो अपने संघर्ष, अपने जीवन की संघर्ष की कहानी सुनाएंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप अगले सप्ताह बिल्कुल जुड़िएगा, अवश्य जुड़िएगा, हम 2 महान विभूतियों से आपका परिचय कराने वाले हैं। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी।
सर सुन पा रहे हैं राघवेंद्र जी? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी ठीक है, हाँ मुझे बोलना है, मैं भी लेफ्ट हो गया था थोड़ा सा। जी जी आपको बोलना है, अध्यक्ष उद्बोधन और धन्यवाद ज्ञापित करना है। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के इस 17वें वेबिनार में, 17 है कृपा जी, 16 है, 16 16 16 है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है किसी वेबिनार को चलाना या शुरू करना तो बहुत सरल होता है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना बहुत कठिन होता है। तो वास्तव में मैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के सभी मित्रों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इसको बड़ी तल्लीनता के साथ इसको बनाए हुए हैं। और मुझे लगता है पहले वेबिनार से लेके आज तक कि उत्साह में कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही ये और आगे भी चलता रहेगा। महत्वपूर्ण अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे इन सभी वक्ताओं का है। आवाज आ रही है कृपा जी? जी जी आ रही है। वो सभी इन वक्ताओं का है जो अपने व्यस्त समय में से हम सबके बीच में उपस्थित होते हैं। मैं बहुत लंबे समय से, मेरी इच्छा भी थी कि ज्योति बहन जी अगर एक बार आए और हम सबके बीच में, चूंकि उनका ये आयोग के नाते दूसरा टेनियर है और उनके अनुभवों को हम सब लोग अपने क्षेत्र में बच्चों के लिए साझा कर सके तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। हरियाणा ने एक बहुत अच्छा काम किया जिसको अभी चेयरपर्सन ने बताया है, और यह हिंदुस्तान में एक पहला काम है जिसमें बच्चों को अब आर्मी में जाने के लिए भी, हमारे जो होम्स के बच्चे हैं उनके पास अपना कोई कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसलिए बच्चे बहुत सारे अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा यह है कि बच्चे किसी तरह के अधिकार से अपने से वंचित नहीं रहेंगे। यह काम एक हरियाणा राज्य ने किया है, हरियाणा राज्य इसके लिए बहुत बधाई का पात्र है, और मैं वहां की चेयरपर्सन को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इसके साथ में आज जिस तरह से स्वाति मैडम ने हम सबके बीच में इस विषय को रखा है, वास्तव में मैं कहूं कि देश में क्या संदेश जाता है वो दिल्ली पर निर्भर करता है, और मैं कहूं देश में नहीं सारी दुनिया में भारत की जो तस्वीर होती है वह दिल्ली को देख करके बनती है। इसलिए दिल्ली में उन्होंने महिला आयोग के साथ में जो काम किया है या ICWC के साथ में जो ICWC के रूप में काम कर रहे हैं, वह बहुत ही पूरे देश भर के लिए प्रेरणादायी है। आपके इस जानकारी और ये तथ्यात्मक जानकारी से देश की सभी CWC लाभान्वित हुई है, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझे ध्यान में आ रही हैं दो पंक्तियां हैं कि वास्तव में जिस विषय को भी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे आदरणीय कृपा शंकर जी ने बोला कि नारी का महत्व, नारी का इस देश के अंदर, इस संस्कृति के अंदर स्थान, ये बहुत, मैं कहूँ कि इसके बगैर भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते। किसी ने बोला है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर जब तीनों भवन यहां सोते हैं, होगी कमसायुध योगी सावन दृष्टिगत होता है, किस व्रत में है यह व्रति वीर निद्रा का यूं त्याग किए, किस व्रत में है यह व्रति वीर निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपन में बैठा आज विराग लिए, बैठा आज विराग लिए, बना हुआ है प्रहरी किसका, उस कुटीर में क्या धन है जिसकी रक्षा मैरत इसका, तन मन धन और जीवन है, मृत्यु लोक मलिन मैठने स्वामी संग जो आई है, तीनों लोकों की लक्ष्मी इस कुटी में आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों ना वीर प्रहरी हो, विजन शेष है निशा शेष है निशाचरी माया इसकी। वास्तव में कहा है कि जब तीनों लोग सोते हैं उस समय में लक्ष्मण जी कुटी के बाहर पहरा दे रहे हैं, तो ऊपर से देवता भी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा धन है इस कुटी के अंदर जिसमें शेषनाग रूपी लक्ष्मण उसकी रक्षा करने के लिए जो व्रत लेकर के बैठा है। तो वास्तव में उन्होंने कहा कि इसमें एक जो हमारी माता सीता हैं वह तीनों लोगों का धन है, तीनों लोगों की लक्ष्मी है जो इसमें विराजमान है, तो उसकी रक्षा करना यही धर्म और यही शेषनाग जो पृथ्वी पर धारण किए उसका कर्तव्य है। तो इसे हम समझ सकते हैं हमारे शास्त्रों में कितना बड़ा महत्व है, और मुझे लगता है आज हमें उसको फिर से लोगों के अंदर इस भाव और भावना को जगाने की आवश्यकता है। और आप सब लोग जिस तल्लीनता के साथ इस तरह के सेमिनार को करते हैं, मैं मानता हूं यह वही है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस माध्यम से पूरे देश के अंदर एक नई अलग जगाएंगे, क्योंकि आप सभी वो लोग हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि आप एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, आप एक संस्थान है। अगर मैडम ज्योति जी वहां बोल रही है तो एक संस्थान बोल रही है अपने आप में, या स्वाति मैडम ने बोला है तो उन्होंने जितना उनका अनुभव है पूरे जीवन का वह बोला है, तो मैं मानता हूं आप जैसे संस्थान जब तक इस देश के अंदर काम करते रहेंगे, जब तक हम हर एक बच्चे को, हर एक महिला को उसके अधिकारों के प्रति सजग करते रहेंगे, उसके अधिकारों की रक्षा में अपना योगदान निभाते रहेंगे। मैं अक्सर एक बात को बोलता हूं कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा अंतर आ गया है वह यह है कि हमारे बीच में जो एक हमारे अंदर की संवेदनाएं थी, वो संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। कानून पर्याप्त है, कानून में कोई कमी नहीं है, केवल आवश्यकता है उस संवेदना को जगाने की। तो ये वेबिनार उस संवेदना को जगाने का काम करेंगे। अक्सर देखते हैं कि जब किसी छोटे से बच्चे के सर पे कोई हाथ सहला, उसके सर पे हाथ रखता है या उसके सर को हाथ से सहलाता है, तो बच्चा यह नहीं समझता कि व्यक्ति मेरे से वासना में बात कर रहा है या वात्सल्य में बात कर रहा है। जब वासना और वात्सल्य का अंतर खत्म होने लगे तो बहुत चिंताजनक स्थितियां होती हैं। तो वास्तव में आज हम उसी स्थितियों में खड़े हैं, लेकिन हमें अपने पुराने, मैं कहूँ शास्त्रों से, हमें अपनी जीवन पद्धति से यह सब सीखना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा, जिससे हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकें, अपने समाज को नई दिशा दे सकें। जो दुनिया की सृजक नारी पूजा को हम पूजते हैं, सारी दुनिया में हमारी इसी बात की चर्चा होती है, सारी दुनिया हमारी संस्कृति को अपना करके ही आगे बढ़ती है। हम इस उपचार को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज के दोनों वक्ताओं को और मैं आज जो इस वेबिनार में चुके हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और साथ में उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी इसी तरह के गंभीर विषय पर चिंतन करते हुए अपने हिस्से की ईमानदारी का पालन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। धन्यवाद सर, आपके शब्द निश्चित रूप से एक मोटिवेशन का काम करते हैं हमको इस श्रृंखला को सतत रूप से चलाने के लिए। प्रश्न आए हैं स्वाति जी से, प्रश्न है हमारे एक बहुत ही एक्टिव सहयोगी हैं देवदत्त गौर जी। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न से पीड़िता की पहचान उजागर किया जाना क्या उचित है, क्या यह जरूरी है? महिला आयोग सीधे तौर पर कार्यस्थल पर इसका निपटारा नहीं कर सकता क्या, क्योंकि आयोग के पास इतने अधिकार हैं कि वो निपटारा कर सकता है? स्वाति जी आवाज नहीं आ रही आपकी। स्वाति जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो है उसमें कहता है प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन। एक्ट करता है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को फॉर्म करने के लिए, इसमें कहीं भी पब्लिक में लाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होती है जिसका कि एक कंप्लेंट बॉक्स होता है। उस कंप्लेंट में जो पर्टिकुलर विक्टिम है जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है वो एक कंप्लेंट बना के उसमें डालती है और उसके ऊपर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी अपना जो होती है वो करती है कि जो कंप्लेंट डाला गया है वो सही भी है कि नहीं, और इसका जो वो निपटारा करती है वो पब्लिकली कभी नहीं करती है। पहले तो आपके ऑफिस में ही उस चीज के पूछताछ किया जाएगा कि फला ने कंप्लेंट डाला है, क्योंकि कंप्लेंट कोई डालता है तो बाय नेम डालेगा, बाय नेम डालेगा तो आपको पता है कि उसमें जब एक्शन लेंगे तो वो तो डिस्क्लोज होगा, लेकिन वो इंटरनली डिस्क्लोज होता है, वो कभी पब्लिक नहीं होता है, ठीक है। और जब महिला अप्रोच करती है महिला आयोग को तो महिला आयोग एक नोटिस भेजती है उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस कंपनी से ये पूछा जाता है तो क्या आपने इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाई, और अगर बनाई तो क्या निपटारा किया, उसका क्या निदान हुआ, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी की क्या रिपोर्ट है, क्योंकि उसको जो भी रिपोर्ट होता है, जो भी फाइंडिंग होता है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का, उसको चैलेंज किया जा सकता है फर्दर, ठीक है। तो इस तरह से तो बहुत टाइम हमने ये देखा कि जब हम महिला आयोग के थ्रू कंपनी से रिपोर्ट मांगते हैं कि अपने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की रिपोर्ट दीजिए, तो हमें पता चलता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो था ही नहीं उसके पास, तो वो लोग आनंद फानंद में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाती है और फिर उसकी फाइंडिंग देती है। तो बहुत सारे, मतलब समझ लीजिए 90% केसेस में जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की कंप्लेंट हमारे पास आती है तो उसका निपटारा उसी समय हो जाता है जब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है, उनकी बातें सुनी जाती हैं। पहले तो इग्नोर ही कर देते हैं कि आप महिला ऐसा कंप्लेंट कर रही हैं, अपना फायदा उठाना चाहती, जो भी आपको पता है सामाजिक परिवेश में जैसा होता है।
तो लेकिन जब हमारे महिला आयोग की तरफ से चिट्ठी पहुंचती है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट कीजिए, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि निपटारा हो जाता है। अगर नहीं होता है महिला आयोग उसका संज्ञान लेते हुए फिर उसके ऊपर कार्रवाई करती है, कंपनी वालों को बुलाया जाता है, जो अक्यूज है उसको बुलाया जाता है, अलग अलग गेट पे हियरिंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ऊपर हो जाता है। जी अल्पना जी जुड़ी हुई हैं पलवल से, CWC पलवल से। अल्पना जी का एक प्रश्न है, बाल मजदूर बच्चों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं और दुकानदार के अलावा कोई जानकार नहीं होता है, ऐसे में हैंडओवर किसे किया जाए? 12 या 15 वर्ष का जो कभी स्कूल गया ही नहीं है उसे स्कूल भेजना भी CWC के लिए बड़ी परेशानी है। और ज्योति जी आपसे प्रश्न है, आपके राज्य का प्रश्न है। ज्योति जी सुन पा रही हैं? ज्योति जी